हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वेम्पायर फ्लॉवर का पार्ट 2, एंड ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट भी है। बट एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है। अब क्वेश्चन प्यारा है तो उसका आंसर भी देना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन था योगी जी का, एंड उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ सिस, विल यू टेल मी वॉट यू ईट एंड ड्रिंक? आई ऑल्सो वॉन्ट माई वॉइस टू बी लाइक यू सिस, योर वॉइस इज़ सो 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 ब्यूटिफुल। थैंक यू सो 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 मच योगी जी फॉर सच ब्यूटिफुल कॉमेंट, एंड योर ड्रामा एक्सप्लेनेशन इज़ ऑल्सो अमेजिंग। प्लीज़ 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 एक्सप्लेन द ड्रामा सिस, यू आर लाइक वेम्पायर। मैं समझी नहीं आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। और नॉट सिस, आई एम यू वॉइस फैन, सच में थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 सिस कम ऑन यूट्यूब लाइव, बट सिस प्लीज़ बिफोर टेल विच डे यू आर कम ऑन लाइव। प्लीज़ सिस दिस इज़ माई विश, आई लुक यू ऑन लाइव प्लीज सिस। सो मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं अपना फेस रिवील नहीं करने वाली, एंड मैं अभी लाइव भी नहीं आ सकती, बट आफ्टर 1 ईयर और 5 to 6 month मैं कोशिश करूँगी, या फिर मैं सोचूँगी इस बात पर। अब आपने पूछा है तो मैं बता ही दूं कि मैं खाने में वही खाती हूँ जो आप लोग खाते हो नॉर्मली डेली लाइफ में, एंड पीने में मैं वो पीती हूँ जो होता है ना एकदम कलरलेस। यार याद नहीं आ रहा मेरे को, सब कोई कलर नहीं होता है, रुको याद करके बताती हूँ। हाँ याद आया, पानी पीती हूँ मैं, क्यों आप लोग नहीं पीते क्या? एंड योगी जी ने दूसरा कॉमेंट ये भी किया है कि सिस योर वॉइस इज़ सो स्वीट एंड आई डोंट बिलीव इट इज़ योर रियल वॉइस। सो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मतलब काफ़ी कमेंट्स मुझे ऐसे दिख जाते हैं जिनमें लिखा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये आपकी वॉइस है या फिर आप वॉइस चेंजर ऐप इस्तेमाल करते हो। सो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी रियल वॉइस है, एंड अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा तो मैं एक काम करती हूँ, कॉमेंट सेक्शन में मैं अपना आप लोगों को नंबर दे देती हूँ। सो जिन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी रियल वॉइस है, सो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो एंड कन्फर्म कर सकते हो। गाइस मैं मजाक कर रही थी, सीरियसली मत ले लेना, घर वालों से डांट खिलवानी है क्या मेरे को? एंड अब जो नेक्स्ट कमेंट है वो तायबा का है, उन्होंने लिखा है कि दी प्लीज़ टेक माय नेम तायबा। सो हाय तायबा, आई थिंक मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, और अगर गलत होगा तो आप बता देना। एंड मुझे याद है कि आप काफ़ी दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि दी प्लीज़ मेरा नाम लो, बट आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती थी। तायबा ने आगे लिखा है कि आई लाइक योर वॉइस, आई सी योर वीडियो फॉर योर वॉइस, क्या सच में? थैंक यू सो मच, यू आर ऑसम, प्लीज़ प्लीज़ टेक माई नेम तायबा एंड आई लव योर वॉइस एंड यू टू। थैंक यू सो मच तायबा फॉर सच ब्यूटिफुल कॉमेंट, एंड वंस अगेन मैं आपको बोल देती हूँ हाय तायबा, एंड अगर मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, एंड सॉरी अगर मैं सही नहीं कर रही हूँ आपका नाम प्रोनाउंस तो। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 1K likes ऑन माई प्रीवियस वीडियो, एंड मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो पर भी कर दोगे, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ कर दोगे ना। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में हम एसल को देखते हैं जो कि सोयंग को अपने साथ लेके आता है, एंड उन दोनों के पीछे पीछे हमारा लुइस भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद एसल एंड लुइस के बीच में होती है एक जबरदस्त फाइट। एंड कॉमन सी बात है कि इसमें हमारा लुइस जीत जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, इसमें जीतता है हमारा एसल क्योंकि काफी पावरफुल था एंड ओल्ड भी। तभी उसका फ्रेंड आता है लुइस की मदद करने, जिसके बाद वो दोनों सोयंग को वहां से लेकर चले जाते हैं। लुइस का फ्रेंड सोयंग को देखकर कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है? जब सोयंग को होश आता है तो वह लुइस के फ्रेंड को देखकर बिल्कुल डर जाती है, एंड देन यहाँ पे पता चलता है कि वह भी एक वैम्पायर है। लुइस का फ्रेंड सोयंग से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी, जिसे सुनकर लुइस कहता है कि यार जोक मारना बंद कर, आई थिंक उसे जेलसी हो रही है। लुइस का फ्रेंड वॉज लाइक मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, ये तुझे लग रहा है, आई एम सो सीरियस। एंड सोयंग से कहता है कि तुम ज्यादा सेफ रहोगी, तुम्हें मेरे जैसा एक स्ट्रांग ओपा प्रोटेक्ट करेगा। देन लुइस अपने दोनों फ्रेंड एखेन एंड बैखेन को बुलाता है एंड कहता है कि ध्यान से देखो, वॉच केयरफुली, जिसके बाद वह सोयंग को किस करता है। मतलब हद हो गई यार, ये भी कोई दिखाने वाली चीज है क्या? वहाँ पे सभी का रिएक्शन अब बिल्कुल देखने लायक था, स्पेशली लुइस के फ्रेंड का जो सोयंग को अपने गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। एंड लुइस के किस करते ही सोयंग के गले में एक टैटू आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोयंग को लुइस के पेंटिंग के बगल में एक और पेंटिंग दिखती है, तो वह लुइस की फ्रेंड से पूछती है कि ये क्या है, तो उसका फ्रेंड बताता है कि अच्छा ये तो मेरा घर है, और क्या पता हम दोनों साथ में रहने लगे तो थोड़ा क्लोज आ जाएं।
सेम इवनिंग जब सोयंग अकेले गार्डन पे बैठी थी तभी उसके पास लुइस आता है एंड उसके बगल में बैठ जाता है और सोयंग से कहता है कि तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, मैंने किस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और ये काम किसी वैम्पायर के सामने ही किया जाता है एज देयर विटनेस। लुइस सोयंग को आगे बताता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो ह्यूमन गर्ल्स को एज देयर कॉन्सर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि एज देयर वाइफ और फ्रेंड, जिसे सुनकर सोयंग थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि हेलो अभी मैं अंडर एज हूँ। तो लुइस कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने जा रहा, ये सिर्फ तभी के लिए है जब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जब तक तुम्हें वो फ्लावर मिल नहीं जाता। तो सोयंग कहती है कि हाँ ठीक है बट अब इस लॉकेट को तो हटा दो। तो लुइस बताता है कि ये लॉकेट तुम्हें फाइंड करने के लिए है, मतलब इस लॉकेट की मदद से मुझे पता चल जाता है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो। तभी सोयंग को उस फ्लावर के बारे में याद आता है तो वह भागते हुए जाती है एंड वह फ्लावर लुइस को दिखाती है। लुइस इस फ्लावर को ऐसे देखता है जैसे कि यही वैम्पायर फ्लावर है, बट ऐसा नहीं था, ये फ्लावर वैम्पायर फ्लावर नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम सोयंग को देखते हैं जो कि उसी फ्लावर के पास अपना सर रख के सो जाती है। तभी वहां पे लुइस आता है एंड उस फ्लावर को शॉप में ले जाता है एंड अच्छे से उसे पॉट में लगाकर वापस लाता है एंड उस फ्लावर को सोयंग के पास वापस रख देता है। लुइस सोयंग से कहता है कि आज तक किसी ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया। देन वह सोयंग को फोरहेड में किस करता है एंड वहां से वापस चला जाता है। लुइस के जाते ही सोयंग अपनी आंखें खोलती है एंड कहती है कि मुझे लगा कि वो तो लिप्स पे करने वाला है। तभी वहाँ पे लुइस का फ्रेंड आता है एंड सोयंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सोयंग कहती है कि मुझे गर्ल एंड बॉय के रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानना है। तो लुइस का फ्रेंड कहता है कि तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं इन कामों में काफी एक्सपर्ट हूँ। सोयंग लुइस के फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम लुइस को जानते हो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि लुइस एक पर्सन नहीं है बल्कि वैम्पायर है, पर फिर भी मैं तुम्हें लुइस का एक सीक्रेट बता देता हूँ एज योर वेडिंग गिफ्ट। लुइस का फ्रेंड सोयंग को बताता है कि हम चारों की जो मॉम थी वो सारी ह्यूमंस थी एंड हम चारों के जो फादर्स थे वो सारे वैम्पायर थे, लेकिन जब लुइस की मॉम को पता चला कि उनका बेटा एक वैम्पायर है तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, वो भी अपने हाथों से। तो क्या तुम्हें पता है कि वो जिंदा कैसे बचा। तो सोयंग कहती है कि मुझे कैसे पता होगा। तो लुइस का फ्रेंड बताता है कि लुइस ने अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए अपने फादर को ही खा लिया। तो सोयंग कहती है कि क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके बाद लुइस का फ्रेंड कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो सोयंग उसे स्लैप करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुइस सोयंग को उसके स्कूल छोड़ने आता है एंड कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं। तो सोयंग कहती है कि पागल हो गए हो क्या, इससे पहले तुम्हें कोई देखे तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उन दोनों से मिलने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड आते हैं एंड यहाँ पे सोयंग को पता चल जाता है कि ये भी एक वैम्पायर हैं और इन सभी के ग्रैंड एल्डर भी। एंड यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को भी पता चल जाता है कि सोयंग ही वह गर्ल है जिसके साथ लुइस ने अपना कॉन्टैक्ट किया है। तो लुइस कहता है कि मैं सिर्फ इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि चलो कम से कम कोई तो है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और लुइस को बताते हैं कि तुम्हारी एज सेरेमनी भी बहुत जल्द होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को एक साथ बैठे देखते हैं। तो लुइस पूछता है कि क्या एसएल यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ग्रैंड लीडर कहते हैं कि यहाँ पे एसएल इजली नहीं आ सकता क्योंकि इसे 3 से 4 लेयर प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिसके बाद लुइस वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। ग्रैंड एल्डर सोयंग को बताते हैं कि लुइस मेरे बेटे की तरह है, सो तुम रिलैक्स करो एंड मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। तो सोयंग ग्रैंड एल्डर से लुइस के फादर के बारे में पूछती है। तो ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि उसने फिर से अपना मुंह खोल दिया, उसने और कुछ नहीं बल्कि यही कहा होगा कि उसने अपने पापा को ही खा लिया अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, है ना। तो सोयंग कहती है कि हाँ बिल्कुल। एंड देन यहाँ पे ग्रैंड एल्डर लुइस को बताते हैं कि लुइस को उसके पापा का ब्लड ड्रिंक करने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि उसके पापा ने ही फोर्स किया था, उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया। जिसके बाद सोयंग वहां से चली जाती है एंड उसके जाते ही वहां पे ऐसा लाता है और कहता है कि आई थिंक हम दोनों काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। ग्रैंड एल्डर उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला। तो एसएल कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम्हें 3 से 4 लेयर प्रोटेक्ट करेंगी तो क्या मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है एंड कॉमन सी बात है कि यहाँ पे एसएल ही जीतेगा। तभी ग्रैंड एल्डर की मदद करने लुइस आता है बट बेचारा हमारा लुइस भी उसका कुछ नहीं कर पाता। एंड यहाँ पे ग्रैंड एल्डर एसएल से कहते हैं कि तुम उस फ्लावर को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि अब वो फ्लावर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसे सुनकर एसएल को काफी गुस्सा आता है एंड वह अपनी स्टिक इतनी जोर से फेंकता है कि ग्रैंड एल्डर की वहीं पे डेथ हो जाती है। बट मरने से पहले वो लुइस से कहते हैं कि तुम सोयंग का ख्याल रखना एंड देन रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। जिसके बाद एसएल लुइस को हार्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे लुइस का फ्रेंड आता है एंड उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। सोयंग लुइस को ऐसा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ, बट वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कहता। तो सोयंग कहती है कि वह ठीक तो है ना। जिसके बाद सोयंग लुइस को उठाने की कोशिश करती है पर लुइस नहीं उठता एंड लुइस के बाकी फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सोयंग अपना हैंड काटती है एंड अपना ब्लड लुइस के माउथ में रखती है एंड वहीं पे बेहोश हो जाती है। एंड थोड़ी देर बाद लुइस उसके ब्लड को ड्रिंक करने लगता है एंड अपनी आंखें खोलता है और जब सोयंग का हाथ हटाता है तो उसके पूरे माउथ में ब्लड ही ब्लड लगा होता है। जिसके बाद हम लुइस एंड सोयंग को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे उसका फ्रेंड बैकन बोलता है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी।
लुइस का फ्रेंड लुइस से कहता है कि अब तुम्हें अपनी एज सेरेमनी करवा लेनी चाहिए अगर तुम्हें एसल से फाइट करनी है। लुइस कहता है कि ठीक है, उस सेरेमनी को मेरे लिए अरेंज करो। नेक्स्ट मॉर्निंग लुइस अपनी एज सेरेमनी वाली बात सोयंग से शेयर करता है एंड जिसके बाद वो दोनों काफी घूमते फिरते हैं एंड एंजॉय करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग डेट कर रहे थे। और वैसे भी हमारी कोरियन एक्ट्रेस तो होती ही भूख खड़ा, ये भी बहुत खाती है। जब सोयंग एंड लुइस एक कैफे में बैठे होते हैं तो सोयंग उससे फ्लावर के बारे में पूछती है तो लुइस कहता है कि फ्लावर डिसअपीयर हो चुका है। तो सोयंग कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम, वो तो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो लुइस कहता है कि हाँ मैंने कहा था बट अब नहीं है। जब लुइस एंड सोयंग वापस घर आते हैं तो वापस आने के बाद भी हमारी सोयंग सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही बात कर रही थी कि हम कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। तो लुइस कहता है कि इतना सब कुछ खाने के बाद भी अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या। सोयंग जब अंदर जाके देखती है तो उसे वहाँ पे लुइस एंड उसके फ्रेंड की पेंटिंग नहीं दिखती और एखेन एंड बैखेन ने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया था। तो सोयंग लुइस से पूछती है कि आखिर यहाँ का सामान कहाँ गया। तो लुइस इसे बता देता है कि हम लोग अभी घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि जब वो फ्लावर ही नहीं रहा तो हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सोयंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर हम उसे अच्छे से ढूंढेंगे तो हमें वो फ्लावर मिल जाएगा। सोयंग लुइस को काफी रोकने की कोशिश करती है बट लुइस नहीं रुकता। तो एट लास्ट वो कहती है कि मेरा क्या होगा, अब तो हम एक कपल भी हैं एंड हम लोग काफी क्लोज भी आ चुके हैं। तो लुइस कहता है कि तुम मेरे से पहले भी तो अकेली ही थी ना एंड मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो सोयंग कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, सो प्लीज झूठ बोलना बंद करो। जिसके बाद लुइस अपना दोनों हैंड सोयंग के हेड पे रखता है एंड देन लुइस कहता है कि अब तुम फ्री हो चुकी हो, यानी कि उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं। एंड लास्ट टाइम लुइस सोयंग को किस करता है एंड वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोयंग उठती है तो उसे याद आता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो चुकी है तो वह भागती हुई स्कूल जाती है जहां सोयंग का फ्रेंड उससे पूछता है कि कुछ दिनों से मैं एक लड़के को देख रहा हूं जो तुम्हारे आसपास था, वो आखिर है कौन। तो सोयंग कहती है कि कौन सा लड़का, क्योंकि सोयंग को तो कुछ याद ही नहीं था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वही जो वैम्पायर की तरह दिखता है। तो सोयंग कहती है कि तुम ठीक तो हो ना कि पागल वागल हो गए हो। वहीं दूसरी तरफ से लुइस एंड उसका फ्रेंड दोनों सोयंग को देख रहे थे। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि सोयंग तो सचमुच सब कुछ भूल चुकी है बट ये करना क्या जरूरी था। तो लुइस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक जो भी मेरे साथ था उन सब की डेथ हो गई, सो मैं नहीं चाहता कि सोयंग की भी डेथ हो जाए। उसका फ्रेंड बोलता है कि तूने सब कुछ तो कर दिया, उसकी मेमोरीज मिटा दी, उसका निशान मिटा दिया बट उसके गले में तो उन्हें लॉकेट के छोड़ दिया। तो लुइस कहता है कि वह एक प्रेजेंट था इसलिए। वहीं दूसरी तरफ जब सोयंग लिफ्ट में थी तो वहां पे ऐसा लाता है एंड उसे अपने साथ अपनी जगह पे ले जाता है और उसे एक चेयर से बांध देता है और कहता है कि क्या मैं तुमसे वैम्पायर फ्लावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो सोयंग कहती है कि वैम्पायर फ्लावर ये क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप एग्जैक्टली बताइए। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जहां पे उसकी एज सेरेमनी हो रही थी। तो एसल कहता है कि क्या तुम लुइस से रिलेटेड सब कुछ भूल गई। तो सोयंग कहती है कि लुइस ये कौन है एंड देन तभी सोयंग को लुइस से रिलेटेड सब कुछ वापस याद आ जाता है। सोयंग एसल से कहती है कि वो फ्लावर तो ऑलरेडी ही डिसअपीयर हो चुका है, सो तुम मेरे पीछे अभी भी क्यों पड़े हो। तो एसल कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी नहीं पता, अरे यार तुम्हें यहाँ लाना तो बिल्कुल वेस्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ लुइस की एज सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है एंड उसकी आईज कंप्लीटली गोल्डन हो जाती हैं एंड उसका लॉकेट भी चमकने लगता है। तो लुइस समझ जाता है कि सोयंग पक्का किसी न किसी मुसीबत में है, मैंने इस पोजीशन के लिए पूरा 900 ईयर्स का वेट किया है एंड तुमने मेरी आखिरी उम्मीद पे भी पानी फेर दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद एसल सोयंग को मारने लगता है, तभी वहां पे लुइस का फ्रेंड आता है एंड उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो एसल कहता है कि कोई बात नहीं, पहले मैं खुद से ही निपट लूं। अब कॉमन सी बात है कि लुइस का फ्रेंड तो एसल से जीतने वाला नहीं है, सो उसकी मदद करने आता है हमारा लुइस एंड इस बार वह काफी स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि उसकी एज सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है एंड इस बार हमारा लुइस एसल के साथ काफी अच्छी फाइट करता है। तो एसल कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तेरी एज सेरेमनी कंप्लीट हो गई है बट कोई नहीं, अभी भी तो सेम उसी तरह है। एंड एट लास्ट काफी फाइट के बाद हमारे एसल का काम खत्म हो जाता है, मतलब काम तमाम हो जाता है। खत्म क्या होगा, मतलब मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, है ना। जिसके बाद हम लुइस और उसके फ्रेंड को एक साथ बैठे देखते हैं एंड दोनों काफी खुश थे। लुइस कहता है कि अब तो फ्लावर गायब हो गया, सो अब बचा ही क्या। तो उसका फ्रेंड कहता है कि फ्लावर नहीं बचा बट लॉर्ड की पोजीशन तो अभी भी है ना। तो लुइस कहता है कि वैसे भी मैं इस प्लेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रखता, जिसे सुनकर हमारा मतलब कि लुइस का फ्रेंड काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पोजीशन मिल जाएगी ना इसलिए। जिसके बाद हम सोयंग को एक प्लेस में देखते हैं एंड थोड़ी देर बाद वहां पे लुइस भी आता है एंड अपने घुटनों पे बैठकर कहता है कि क्या तुम मेरी फ्लावर बनोगी, जिसे सुनकर हमारी सोयंग तो काफी खुश होती है एंड कहती है कि हाँ क्यों नहीं बिल्कुल। जिसके बाद वो दोनों क्या करेंगे आप खुद ही देखो एंड यहीं पे हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है, मीन्स कि इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।